पिछले कुछ समय से खबर आ रही थी कि टीवी एक्टर अमित टंडन और उनकी वाइफ रूबी के बीच रिश्ते सामान्य नहीं है। अब खबर ये है कि रूबी पिछले एक महीने से दुबई की जेल में बंद है। रिपोर्ट्स की माने तो दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने कथित तौर पर बताया है कि रूबी ने सरकारी अधिकारियों को धमकी दी थी। इसी आरोप के चलते उन्हें दुबई की अल रफा जेल में बंद किया है। वाइफ की मदद करने एक बार तो अमित दुबई जा चुके हैं, लेकिन वे बेल नहीं करवा पाए थे। वे फिर दुबई जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पेशे से डर्मेटोलॉजिस्ट है रूबी। अमित की वाइफ पेशे से डर्मेटोलॉजिस्ट है और कई टीवी सेलिब्रिटीज उनके क्लाइंट हैं। रूबी के जेल में होने से अमित तो दुखी है और उन्होंने कहा कि रूबी एक बेहतरीन डॉक्टर है और वे हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती है। अमित का कहना है कि रूबी की सफलता कुछ लोगों को पसंद आई और इसी के चलते उन पर ऐसे गलत आरोप लगाए गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि रूबी को जल्दी ही न्याय मिल जाएगा। अमित और रूबी ने 2009 में शादी की थी और दोनों की 7 साल की एक बेटी जियाना है। जियाना फिलहाल अपनी मम्मी के साथ ही रहती हैं। पिछले दिनों खबरें आई थी कि दोनों की शादीशुदा जिंदगी में तनाव चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अमित और रूबी काफी समय से अलग रह रहे हैं। पहले दोनों अंधेरी वेस्ट में रहते थे, लेकिन अब अमित गोरेगांव वेस्ट में अकेले ही रहे हैं। खबरें तो ये भी है कि दोनों जल्दी ही तलाक लेने वाले हैं। अमित रियलिटी शो इंडियन आइडियल सीजन 1 से चर्चा में आए थे। इसके बाद वे ये हैं मोहब्बतें क्योंकि सास भी कभी बहू थी, भाभी अदालत सीजन 2। कैसा ये प्यार है जरा नच के दिखा, जैसे टीवी सीरियलों में नजर आ चुके हैं। रूबी मुंबई में क्लिनिक चलाती है। उनकी क्लाइंट लिस्ट में मौनी रॉय, संजीदा शेख, इकबाल खान, विक्रम भट्ट जैसे नाम शामिल हैं।